टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। रेलवे स्टेशनों पर बार बार अनाउंसमेंट किया जाता है कि रेलवे परिसर को आप साफ सुथरा रखें, यहाँ वहाँ थूके ना, स्मोकिंग ना करें, मगर इसके बावजूद भी कुछ लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं और रेल परिसर में इधर उधर थूकते हैं और स्मोकिंग करते हुए भी नजर आ जाते हैं। अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है। मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर बीड़ी, सिगरेट जैसे स्मोकिंग करने वाले लोगों पर रेलवे सुरक्षा बल अब कड़ी कार्रवाई कर रही है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म या फिर रेल परिसर में स्मोकिंग करने वालों को एंटी स्मोकिंग सेफ्टी के तहत कार्रवाई किया जा रहा है। रेलवे सुरक्षा बल मुंब्रा रेलवे स्टेशन के निरीक्षक राजश्री आहिर ने बताया है कि इस अभियान के तहत अब तक 53 लोगों को पकड़ा गया है जो रेल परिसर में स्मोकिंग कर रहे थे, जिनमें से 45 लोगों से सिर्फ 200 रुपये फाइन लेकर छोड़ दिया गया है और इनमें से 8 लोगों पर गुनाह दाखिल करके कोर्ट में पेश किया गया और इन पर इनसे फाइन भी वसूल किया गया। वहीं मुंब्रा रेलवे RPF की राजश्री आहिर ने भी लोगों से अपील की है कि वो रेल परिसर को साफ सुथरा रखने में अपनी भी अहम जिम्मेदारी समझें और रेल परिसर में कहीं भी वो इधर उधर थूके ना और ना ही स्मोकिंग करें। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।